हेलो एवरी वेरी मॉम वेलकम टू डिजायर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स अभी पेंडिंग वर्क चल रहा है और इसीलिए जो है ये वाला वीडियो Uh, जो है कंप्लीट करते हैं फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल एंड द हिंदू में देखा जाए uh, कल क्या क्या इम्पॉर्टेंट रहा और एडिटोरियल में ही इम्पॉर्टेंट रहा इसके बाद जो है कह लें कि आधा कोई न्यूज़ मुझे सच इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं रही फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज इंडियन एक्सप्रेस में भी दे वॉज़ नथिंग इम्पॉर्टेंट चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं नीडेड ए मैप फॉर इंडियाज़ फॉरन पॉलिसी फ़ॉरन पॉलिसी जो है काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई है इंडिया की लॉन्ग एगो इंडिया अगर देखा जाए तो एक नेचुरल राइजिंग पावर माना जा रहा था साउथ एशिया में एज वेल एज द इंडियन ओशन रीजन में और डिफेक्टो टाइप से रूल एक, लीडर की तरह था इन दस, आ, सार्क कंट्रीज ओके सो so, सार्क कौन के कौन कौन से कंट्रीज़ हैं सार्क में यू हैव अगर आपको पता हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि सार्क में कौन कौन से कंट्रीज हैं ओके एंड इंडिया वॉज इन्जॉइंग गुड एंड रिलेशंस विद श्रीलंका एज वेल एज इन विध बंग्लादेश अफगानिस्तान के साथ भी इंडिया का बहुत अच्छा रिलेशनशिप चल रहा था एंड देखा जाए तो ईरान के साथ भी एक बड़ा कोऑर्डिनेशन था चाइना के साथ भी एक कॉपरेटिंग मूवमेंट था माने एक कोऑपरेशन तरीके से चल रहा था अब हम आते हैं कि प्रेजेंट सिचुएशन कैसी है इंडिया की इंडिया के मैं देखें अगर प्रेजेंट सिचुएशन तो चाइना के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है एल ए इशू चल रहा है नेपाल के साथ भी अच्छा नहीं है इस समय कौन सा इशू चल रहा है इस समय इस समय जो न्यू मैप नेपाल ने ड्रा कर रखा है जैसे हम लोगों ने लास्ट बहुत सारे वीडियोस में कवर करा नेपाल और इंडिया के रिलेशनशिप तो जो है नेपाल के साथ भी अब इतना रिलेशनशिप बेटर नहीं है बिकॉज नेपाल कहीं ना कहीं अब हो रहा है टूवर्ड्स चाइना श्रीलंका के साथ देखा जाए तो श्रीलंका भी चाइना की तरफ ही टिल्टेड है जस्ट बिकॉज चाइना जो है बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है श्रीलंका में ऐसे वेल अगर हम बांग्लादेश में देखा जाए तो बांग्लादेश में क्या है कि बांग्लादेश इज़ नॉट हैप्पी विद इंडिया ने सिटीजनशिप अमेंट एक्ट लेके आया और अफग़ानिस्तान उसके साथ भी इंडिया का रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है एज वेल एज ईरान में जो रेलवे लिंक प्रोजेक्ट था कनेक्टिंग छबाग पोर्ट वग़ैरह उसमें भी इंडिया ने डिले कर दिया और वो प्रोजेक्ट भी इंडिया के हाथ से निकल गया सो uh, so, um, इस तरीके का इस सिचुएशन uh, में इस तरीके के इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है विद डिफरेंट कंट्रीज़ और uh, जो है अभी जो है ज़्यादातर जो है इंडिया जो है यूएस की तरफ जो है टिल्टेड दिख रहा है एंड uh, उसकी ज़्यादातर जो पॉलिसीज़ हैं वो यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही ज़्यादातर चल रही हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंड देखो जैसे कि हो गया कि ईरान के ऊपर सेंशन लगा था ठीक है तो ईरान के पास इकनॉमिक सेंक्शन लगा था भले ही थोड़ा बहुत इंडिया को फ्रीडम थी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपना प्रोजेक्ट सब प्रोजेक्ट चलाने की बट इंडिया नहीं चाहता था कि यूएस के साथ स्ट्रेंथ रिलेशनशिप हो इसलिए वो प्रोजेक्ट जो है डिलेड uh, होता चला गया ओके okay, सो so ये दिखाता है कि यू की तरफ टिल्टेड है इंडिया अदर इज़ दैट कि जब यूनाइटेड नेशन में uh, ईरान के अगेंस्ट वोट हुआ तो इंडिया ने यूएस को सपोर्ट करा इसमें और इसमें क्या था कि जो भी वो एक गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट था जो कि एक एम्बिश प्रोजेक्ट था ईरान का उसमें जो है इंडिया ईरान के अगेंस्ट चला गया इसके बाद आता है बात की जो है इंडिया को सपोर्ट वॉशिंगटन क्यों करना चाहता है इंडिया को इसलिए सपोर्ट करना चाहता है कि इंडिया ही एक एशिया में ऐसा कंट्री है जो कि एक टक्कर दे सकता है चाइना का जो राइस है उसको कम करने के लिए इसीलिए जो है इंडिया को जो है वाशिंगटन सपोर्ट करता रहता है एज वेल एज़ दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो है जैसे एक्सरसाइज वग़ैरह होती रहती है एंड लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम एग्रीमेंट भी दोनों में कॉपरेशन टाइप का इंडिया और वाशिंगटन में चलता रहता है सो so ये सारी चीज़ें जो है बीजिंग को कहीं ना कहीं जो है सही नहीं लगती है और उसको अपने फॉरेन पॉलिसी में इसीलिए जो है एक स्ट्रेंड रिलेशनशिप रखता है वो इंडिया के साथ अब आते हैं कि जो सी ए बिल है ठीक थी, है इसको जब ये पास करा गया तो रीज़न क्या दिया अपनी गवर्नमेंट ने कि माइनॉरिटीज़ के बेटरमेंट के लिए जो भी फॉरेन कंट्रीज़ में हैं और उनको इंडिया में लाया जाएगा बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ऑप्रेस सिचुएशन में हैं सो मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को लाने के लिए एकदम भी रेडी नहीं थे एंड ये चीज़ जो है बांग्लादेश वगैरह को नहीं अच्छी लगी और इसी तरह बांग्लादेश के साथ भी रिलेशनशिप खराब हो गया ओके और एंडी इंडिया प्रोटेस्ट प्रो, इसी कारण अफ़गानिस्तान में भी चला सो so, जम्मू एंड कश्मीर को जब जो है अलग एक यूनियन टेरिटरी और स्टेट का मिल गया तो इससे क्या है कि चाइना को भी ये बात सही नहीं लगी एज वेल एज ये चीज़ जो है पाकिस्तान वगैरह को भी नहीं सही लगी तो ये इस तरीके की फॉरेन पॉलिसी अभी इंडिया लेके चल रहा है बेसिकली टिल्टेड टुवर्ड्स द यूएस और इंडिया हमेशा जो है नैम का एक फाउंडर भी रहा है और नैम के कारण इंडिया ने बहुत प्रोग्रेस भी किया बट अभी क्या है एक जो है टिल्ट दिखा दिख रहा है किधर यूएस की तरफ एंड इसके बाद हम लोग मेजोरिटी कैन नॉट अफोर्ड ए बैलेंस डाइट इसको कवर करेंगे एंड मॉडर्न टूल्स एज ओल्ड विस्टम ये चीज़ टॉपिक कवर करेंगे सो मेजोरिटी कैन नॉट अफोर्ड ए बैलेंस डाइट देखो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है एक सर्वे कराता है विद द हेल्प ऑफ स्टेट और रिपोर्ट पेश करता है स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड सोफी रिपोर्ट ये रिलीज़ करता है और ये जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के पार्टनरशिप में ये चीज़ रिलीज़ होती है सो so, इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इंडिया का क्या सिचुएशन है इसको कवर करेंगे सो डॉलर वन पॉइंट नाइन जीरो जो है पीपीपी पी के बेसिस पर जो है इंडिया के पीपुल खर्च करते हैं पर डे ओके okay, पर पर्सन पर डे इतना खर्चा है परचेजिंग पावर पैरिटी के बेसिस पर अगर कैलकुलेट करा जाए सो so, इसके अकॉर्डिंग जो है एक पर्सन जो है वो हेल्दी और न्यूट्रिशन डाइट पर इतना खर्चा नहीं कर सकता है अब डाइट्स जो हैं ये थ्री टाइप्स की होती हैं एक तो बेसिक इनर्जी सफिशिएंट डाइट होती है सेकेंड वन इज़ न्यूट्रिएंट एडिक्वेट डाइट एंड थर्ड वन इज़ हेल्दी डाइट तो जो बेसिक इनर्जी सफिशिएंट डाइट होती है ये किस तरीके की होती है इसमें क्या होता है कि जैसे हो गया रोटी हो गया चावल हो गया दाल हो गई ये बेसिक है ओके क्योंकि घर में बन गया तो इससे जो है आपको फ, ये एक केवल एनर्जी सफिशिएंट डाइट है इसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं है सेकेंड डाइट हो गया कि जो है जिसमें कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी इन्वॉल्व हैं अलग डिफरेंट टाइप की सब्जियां इन्वॉल्व हैं सो so इस तरीके की एक न्यूट्रियट डाइट हो गई थर्ड टाइप इज़ हेल्दी डाइट इवन माइक्रो माइक्रो न्यूट्रियट्स हो गए फ्रूट्स हो गए एज वेल एज मीन्स अगर आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर लो प्लस अदर थिंग्स को भी इन्वॉल्व कर लो तो ये हो गई एक हेल्दी डाइट सो इस तरीके के थ्री टाइप्स ऑफ डाइट्स होती हैं सो so, इंडिया रिकमेंडेशन इंक्लूड्स कंजम्पशन ऑफ आइटम फ्रॉम सिक्स ग्रुप जैसे कि हो गया चीज स्टेपल्स प्रोटीन रिसोड ये सब तरीके के फूड्स हो गए अब सोफी की रिपोर्ट के, के अकॉर्डिंग जो है साउथ एशियंस में देखा जाए कि दे कैन नॉट अफोर्ड द न्यूट्री एंड एडिकुएट डाइट और लगभग 18 परसेंट ऐसे पीपल हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते और फिफ्टी एट परसेंट ऐसे पीपल हैं साउथ एशियन जो कि हेल्दी डाइट को भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ओके okay, एंड uh, जो है जैसे कि तेंदुलकर कमिटी की रिपोर्ट आई थी उसके अकॉर्डिंग पर पर्सन इंडिया में थर्टी थ्री रुपीज़ अर्बन एरिया में खर्च करने पड़ते हैं लोगों को और ट्वेंटी सेवन रुपीज़ पर पर डे इन रूरल एरियाज़ ओके बट ये रिपोर्ट कब आई थी दो हज़ार ग्यारह बारह में आई थी अब लगभग जो है वन uh, डिकेड हो रहा है तो अफकोर्स uh, जो है इसके अकॉर्डिंग जो है पावर्टी बिलो पावर्टी लाइन में पीपुल जो आते हैं बिकॉज uh, जो है धीमे धीमे क्या होगा कि जो है इसमें इंक्रीज़ आ जाएगा ओके दस साल में जो है ज़रूरी नहीं कि महंगाई बढ़ती तो इसके साथ साथ ये खर्च भी बढ़ता है तो इसी कारण जो है अगर कैलकुलेट करा जाए तो बहुत सारे लोग जो है बी में आ जाएंगे तो ये लोग जो है ज़्यादातर क्या होता है कि न्यूट्रिय डाइट पर खर्च नहीं कर पाते हैं ओके सो दिस इज़ देर एंड ये है कि जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है ये क्या बेसिकली बोलती है कि फाइव ग्राम ऑफ वेट हो जाए डिस्ट्रीब्यूट और वन किलोग्राम ऑफ ग्राम एंड लेंटिल्स हो जाए बट ये जो है माल uh, न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा ओके नाउ लेट अस मूव ऑन टू द अदर टॉपिक मॉडर्न टूल एज ओल्ड वेस्टर्म इंडिया और श्रीलंका के रिलेशनशिप को के बारे में इसमें टॉपिक में है एंड देखा जाए तो इंडिया और श्रीलंका का जो है ये एक अगर पेपर वाइज देखें मिस एक होता है डीजोर जो कि रियल में नहीं है एक डिफेक्टिव होता है जो रियल में है ओके okay? सो so अगर डि डिजोर उसमें देखा जाए तो इक्वल है एंड सॉवरन नेशन है बट अगर डिफेक्टिव में देखा जाए तो इंडिया जोग्राफी वाइज पॉपुलेशन वाइज मिलिट्री वाइज इकोनॉमिक पावर वाइज इंडिया का एक अपर हैंड है ओके बट देन ऑल्सो ये दोनों कंट्रीज जो हैं हमेशा से जो है दोनों के बीच में हिस्टोरिकल टाइज रहा है और एक बेटर रिलेशनशिप इन्जॉय करते थे ओके okay? बट अभी भी करते हैं बट अभी क्या इंक्लिनेशन टूवर्ड्स तो चाइना है एंड हिस्ट्री रिवील्स दैट एडवेंट ऑफ बुद्धिज़म टू श्रीलंका ड्यूरिंग द एम्पायर ऑफ एम्प्रशो का ओके ये किस लिए था क्रॉस बॉर्डर डिस्कोर्स होना चाहिए डिस्कशन वगैरह होना चाहिए और अनुराधापुर में क्या था इंटरनेशनल कम्युनिटी डिफरेंट कंट्रीज़ से आई जहाँ पे इंडिया चाइना रोम अरेबिया पर्शिया ये सारे लोग आए एंड uh, यहाँ पे जो है कह सकते हैं कि uh, Uh, एक बेटर रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने की कोशिश करी डिफरेंट कंट्रीज़ के लोगों ने भले ही वो एक रिलीजन ही क्यों ना बेसिस बना हो ओके okay, लेटर जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे श्रीलंका के उन्होंने ट्रैवल करा इंडिया चाइना कंबोडिया इन सब जगह पे ट्रैवल करा एज वेल एज इन द जावा सो so, uh, ये सारी चीज़ें थी बुद्धिस्ट टेम्पल जो भी हैं श्रीलंका में वहाँ पे अभी भी हिंदू डेटीज़ वगैरह मिलती हैं एज वेल एज द कॉलोनियल एक्सपेंशन ऑफ यूरोपियन मेरी नेशंस ने जो है श्रीलंका की इकॉनमी को काफ़ी जो है कह सकते हैं कि रिशेप कर दिया ओके लेबर्स फ्रॉम साउथ इंडिया वो श्रीलंका लाए गए और इंडिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल था उसने भी श्रीलंका को अफेक्ट करा और देखा जाए तो कल्चरल लोकल लैंग्वेज फिलोसफिकल टाइप दोनों कंट्रीज में एक अच्छे ही रहे ओके एंड बट अभी क्या है कि अभी पेंडेमिक टाइम में जो है ज़्यादातर लीडर्स जो हैं वो इंसुलर थिंकिंग की तरफ बढ़ रहे हैं वो लोकल की तरफ बढ़ रहे हैं ओके और सिक्योरिटी ऑफ द नेशन के रीज़न देख के वो हमेशा जो अभी जो है एक क्लोज इकॉनमी की तरह मीनस नॉट फुली क्लोज बट हाँ थोड़ा बहुत जो है वो चाहते हैं कि उनके लोकल प्रोडक्ट्स जो है लोकल लोगों को ही प्रेफरेंस मिले इस पेंडेमिक टाइम में तो इस समय जो है जो है जितने भी कंट्रीज़ हैं ओके सो उनकी थोड़ा सा जो है पॉलिसी जो है भले वो इकोनॉमिक पॉलिसी हो सोशल पॉलिसी हो वो थोड़ा सा चेंज है एंड श्रीलंका एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करता है बिकॉज उसकी लोकेशन ऐसी है कि जो है इंडिया को ईजली जो है उधर ही से एक्सेस करना रहता है टूवर्ड्स इंडियन ओशन ओके okay, यहाँ जैसे यहाँ पे श्रीलंका है तो इसकी लोकेशन ऐसी है कि एक बेटर रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने पर दोनों के बीच में जो है एक कह सकते हैं कि इकोनॉमिक टाइस अच्छे रहेंगे और दोनों के लिए इकोनॉमिक फॉर्च्यून ये चीज़ बनकर आएगी एंड श्रीलंका हैज़ रिमेन मेड लिंक टू इंडिया फ्रॉम द वेरी पास बट देयर आर मेनी ऑप्शंस अवेलेबल टू एड्रेस इशू ऑफ इम्बेलेंसेज और एसिमिट्रीज जो भी दोनों कंट्रीज़ के बीच में आ रही है ओके सो बेटर है कि इंडिया को जो है जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया इंडिया कहीं ना कहीं जो है वो गुजरात डॉक्ट्राइन गुजराल डॉक्ट्रिन क्या है मैंने बहुत बार लेक्चर्स में अपने कवर करा है तो इंडिया गुजरात डॉक्ट्रिन से कहीं ना कहीं जो है शिफ्ट होती नज़र आ रही है एज वेल एज़ इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी में जो है नैम जो है नैम पे भी इतना प्रेफरेंस नहीं दे रही ओके सो दिस वॉज देयर इन दिस वीडियो एंड थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग